नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ गैर समुदाय के युवक ने सरेरा हिंदू युवती के साथ की छेड़छाड़, जबरन शादी करने को कहा। हिंदू समुदाय के लोगों पर आक्रोश, थाने पर हंगामा, मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र मसूदाबाद चौराहे के पास रहने वाली एक हिंदू समुदाय की किशोरी के साथ उसके पड़ोस के ही गैर समुदाय के युवक ने सरेरा अश्लील हरकतें कर दी। युवती ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद महाराज अग्रसेन समिति के सदस्यों ने पीड़ित परिवार के साथ थाना बन्ना देवी पर पहुंचकर हंगामा किया और हिंदू समुदाय की किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले गैर समुदाय के युवक के खिलाफ पीड़ित ने परिजनों ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आपको बताते चले, वाकया शनिवार शाम का है। पीड़ित युवती मसूदाबाद थाना बन्ना देवी इलाके के मसूदाबाद क्षेत्र की रहने वाली है। गैर समुदाय के युवक द्वारा छेड़छाड़ के बाद पीड़ित किशोरी ने बताया कि जब वह अपने घर से परसों शाम को बाजार गई थी, उसी दौरान पीछे पीछे इलाके में रहने वाला युवक आदिल पुत्र फरीद आ गया। उसने किशोरी का हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें करते हुए जबरन शादी करने को कहा। किशोरी द्वारा विरोध करने पर युवक ने किशोरी के साथ अश्लील हरकतें की। विरोध करने पर किशोरी के साथ मारपीट भी की। किशोरी के साथ छेड़छाड़ की सूचना मिलते ही किशोरी की मां और पड़ोस के दो युवक मौके पर पहुंच गए। उन्होंने युवती को आरोपी युवक से बचाया। युवती के मुताबिक युवक लंबे समय से उसको परेशान कर रहा है। लोक लाज के चलते वह इसकी शिकायत नहीं कर रही थी। युवती ने बताया कि युवक उसे व परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले में महाराजा अग्रसेन समिति जिला युवक शाखा के पदाधिकारियों से मदद मांगी गई। युवती के परिजनों ने बताया कि युवक लंबे समय से उसको परेशान कर रहा है। वह उससे शादी करने का दबाव डालता है। पहले तो लोक लाज की वजह से वह शिकायत नहीं करवा रही थी, लेकिन जब ज़्यादा हो गया, परिजनों ने महाराज अग्रसेन समिति के पदाधिकारियों से मदद मांगी। समिति के जिला अध्यक्ष हेमंत गर्ग व अन्य लोगों के साथ पीड़ित युवती परिजनों के साथ थाने पहुंची। महाराजा अग्रसेन समिति के जिला अध्यक्ष हेमंत गर्ग और जिला महामंत्री दिनेश अग्रवाल व अन्य सदस्य समर्थन में आए। वह पीड़ित किशोरी और परिवार के साथ थाना बन्ना देवी पहुंचे। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक पर कार्यवाही की मांग को लेकर थाना बन्ना देवी पर हंगामा भी हुआ। पीड़ितों ने आरोपी युवक के खिलाफ कार्यवाही के लिए तहरीर भी लिख दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। मैं हेमंत भाई, और किस तरह का मामला है? मेरा नाम हेमंत कुमार गर्ग है, जिलाध्यक्ष हूँ महाराजा अग्रसेन समिति जिला व्यवस्था का। हमारे रघुवीपुरी स्थित मसूदाबाद चौड़ाए पर हिमालय डेल के बराबर वाली गली में एक अरोरा परिवार रहता है। ये परिवार में एक हमारी आंटी हैं, इनकी एक बेटी है, एक बेटा है। ये तीनों लोग अकेले रहते हैं परिवार में। इन्हीं के गली में ही गुरु ढाबे के बराबर वाली गली में कुछ मुस्लिम युवक काफ़ी समय से इनके परिवार को परेशान कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और जाट से मारने की धमकी देते हैं और इनसे इतनी अभद्र बातें करते हैं। इनकी लड़की को हत्या करते हैं, निकलते बढ़ते छेड़खान करते हैं और इनकी माता जी को टॉर्चर करते हैं। अगर तुम अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करा दो या अपनी लड़की को मेरे साथ भेज दो। इसी चक्कर में इनके कल विरोध करने के बावजूद उनके घर में घुस आए। इन्होंने जब समझाया तो इनके बेटे के संग उन्होंने मारपीट कर दी, बहुत बुरी तरह मारा है। और इस माँ से ये कहा है, अगर तुम्हें इस इलाके में चैन से रहना है तो तुम्हें वही सब बातें करनी पड़ेंगी जो हम मानेंगे। इन्होंने हमसे मदद मांगी, हम पूरी समिति द्वारा यहाँ थाने में आए हैं, बन्ना देवी थाने में SSI से हमें बात की है और हमने उनसे कहा है कि हमें इसमें लापरवाही नहीं चाहिए। हमें उन लोगों से आपको थाने से क्या आश्वासन दिया? थाने में हमें आश्वासन ये मिला है कि एक घंटे के अंदर वो सारे लड़के अरेस्ट होंगे जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी की है, जो उनकी लड़की का निरंतर दुर्व्यवहार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। और ये कहा गया है सभी लड़कों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। अगर थाने वाले हमें उनके फिलहाल तो आश्वासन पे यकीन है, अगर एक घंटे में अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो अगला कदम तुम्हारा क्या रहेगा? आज यहाँ 100 लोग मौजूद हैं, 200 लोग इकट्ठे होकर हम शाम को इस थाने को पूरे को घेर लेंगे और इस तरीके से किसी मुसलमान युवक द्वारा इसके परिवार के साथ शोषण होने नहीं देंगे। हमारी पूरी शाखा, पूरे समाज के लोग इनके साथ खड़े हैं। इस तरीके की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। योगी राज में तो बिल्कुल ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी कि एक अकेले परिवार को मिलकर इस तरीके से घर में घुसकर अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। क्या मामला, पूरा मामला बताइए। मेरी बेटी को आदिल नाम का लड़का था, बहुत तंग करता, एक साल से तंग करता।
धमकी देता है। कल मेरी बेटी 29 तारीख को निकल के जा रही थी रोड पे और उस लड़की को पहले तो खींच लिया, फिर कह रहा है कि मैं इसके संग शादी करूंगा और इसको धमकी देता है। कल से कह रहा है अगर पुलिस केस किया ना तूने तो फिर देख तेरी भाइयों को सबको जान से मार दूंगा। और काफ़ी दिन से तंग करता है, कह रहा तेरे भाइयों पे भी इल्ज़ाम लगा दूंगा, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं तेरे को सब बंद करा दूंगा, देखूंगा तेरे पीछे कौन हो कौन नहीं है। क्या नाम है उस युवक का? जो आदिल, आदिल नाम उसके पिता का नाम है फरीद। और मैं पहले भी कह के आई इसकी माँ ने माफ़ी मांगी हाथ जोड़ के कि ये बहुत हरामी है, ये कभी भी नहीं ऐसा करेगा, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, इसकी रिपोर्ट मत लिखवाना, मगर वो इस तरीके से फिर भी नहीं मान रहा। हार के मैं थाने पर आई हूँ, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करके कि मेरी बेटी की रक्षा कीजिए, मैं गरीब परिवार की बेटी हूँ। थाने से आपको क्या आश्वासन दिया गया? मेरे को यहाँ पर बहुत सारे भाइयों वगैरह सबसे आश्वासन दिया गया कि हम आपकी बेटी की रक्षा करेंगे, मगर मैं ये डरती हूँ कि मेरी बच्ची को कल को कहीं कुछ कर ना दिया जाए, इसीलिए और डरती हूँ मैं।